हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेंडरिंग के बारे में, प्री रेंडरिंग के बारे में और एक छोटी सी टिप आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्री रेंडरिंग का। तो यहाँ पर आप वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, हमारे वीडियो को मैं फर्स्ट फ्रेम पर ले आया। अब जब मैं इसका रैम प्रीव्यू कर रहा हूँ, इस जो हमारे बहुत सारी यहाँ पे लेयर है, तो आप देख सकते हो कि जो रेंडरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है रेंडर होने में, आप देख सकते हैं। ये जो है फ्रेम बाय फ्रेम जो है रेंडरिंग कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है इसका रैम प्रीव्यू में टाइम लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो लेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर मैं अभी लेयर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मैं सॉफ्टवेयर में जाऊँगा, जो मैंने एक प्री कंपोजिशन बनाई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लेयर है, जिसकी वजह से जो है आप जब प्रीव्यू कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा जो है रेंडरिंग में टाइम ले रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा जो है ये रेंडरिंग में टाइम ले रहा है। तो उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगा कि ये जो हमारे शॉक वेव्स वाली जो लेयर है उसके अंदर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारी बहुत सारी जो लेयर्स पे लेयर्स हैं शॉक वेव्स की, उसको मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सभी को जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंपोजिशन में जाऊँगा और प्री रेंडर करूँगा। तो गाइज, सबसे पहली बात कि हम प्री रेंडर क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्री रेंडर में आप देख ही सकते हो करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेयर्स है जिसकी वजह से जो है आपका रैम प्रीव्यू जो है फास्टली नहीं हो रहा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेयर्स है जिसकी वजह से आपका रैम प्रीव्यू फास्ट नहीं हो रहा। तो जो ये सॉफ्टवेयर वाली जो प्री कम्पोज लेयर है, अगर इसे हम रेंडर कर दें यानी प्री रेंडर कर दें, तो ये जो है पूरी एक वीडियो फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि जो हमारी रैम प्रीव्यू जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वर्क कर सके हमारे आफ्टर इफेक्ट में। और ये जो लेयर है जो लास्ट में, वो किसी ऊपर की लेयर को अफेक्ट भी नहीं करती, यानी हम इसको जो है रेंडर कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड की तरीके से। तो चलिए, मैंने यहाँ से सभी को सिलेक्ट किया था, यहाँ से मैं कंपोजिशन में गया था और उस पर यहाँ पे मैंने प्री रेंडर किया हुआ था। सो प्री रेंडर, तो यहाँ पे हम रेंडर क्यू में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली चार ऑप्शंस दिखे जाएंगे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है रेंडर सेटिंग, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक जो है पैनल ओपन होगा। उसमें सबसे पहला पूछ रहा है क्वालिटी, तो आप देख सकते हो बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। ड्राफ यानी उससे थोड़ा कम रेजोल्यूशन, क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। उसके बाद जो है फुल, हाफ, थर्ड और क्वार्टर, ये भी आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, कंपोजिशन में आता हूँ। आप देख सकते हो अभी ये फुल, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये फुल रेजोल्यूशन में प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो आप देख सकते हो कि अब इसकी जो रेंडरिंग है, जो रैम प्रीव्यू की स्पीड है, वो ज़रा पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर इसको मैं क्वार्टर कर दूँ, यानी ये जो एकदम थर्ड क्वालिटी में, फोर्थ क्वालिटी में जो है इसका वीडियो आपके सामने रैम प्रीव्यू होके आएगा, और उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा, आई मीन्स कह सकते हैं इसका रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम होगा और आपको फास्टली रैम प्रीव्यू करके देगा, तो यहाँ से मैं उसको फुल करूँगा यानी फुल HD क्वालिटी में। तो वापस यहाँ पे रेंडर क्यू में आएंगे, यहाँ पे हम रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे मैंने बेस को ऑप्शन को जो है सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने उसको फुल रेजोल्यूशन में जो है सिलेक्ट किया है। साइज उसकी 1920x1080 है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे और जो सेटिंग्स है वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको रहने देना है, उसमें किसी भी टाइप की आपको जो है सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है। यहाँ से सिंपली से ओके। अब आते हैं हम आउटपुट मॉड्यूल पे।
यहाँ पे जो है आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से फॉर्मेट के ऊपर जो है अपनी रेंडरिंग को करना चाहते हैं। आपको PNG सीक्वेंस में करना है, आपको JPEG सीक्वेंस में करना है, आपको MP3 में करना है, आपको क्विक टाइम में करना है। यहाँ बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप अपनी जो वीडियो है उसे मन चाहे फॉर्मेट में आप उसे प्री रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी PNG सीक्वेंस में जाऊँगा और यहाँ से आप देख सकते हो पोस्ट रेंडर एक्शन, यानी ये वापस से जो है हमारी जो क्लिप है उसे आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेगा और रिप्लेस करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस प्री रेंडर में आपको ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। सिमिलरली यहाँ पे चैनल जो है हमारी RGB चैनल भी है प्लस अल्फा भी, अल्फा यानी PNG फॉर्मेट और RGB यानी अपनी कलरफुल जो है फॉर्मेट। हमारी यहाँ पे PNG फॉर्मेट भी है प्लस उसके अंदर हमारी अल्फा जो है वो भी है। तो यहाँ से मैं इसको RGB प्लस अल्फा मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। बाकी जो सेटिंग्स है उसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे और यहाँ से सिर्फ ओके दबा दे। अब आते हैं हम यहाँ पे आउटपुट, यानी आपको अपनी जो हमारी जो वीडियो है उसे कहाँ एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी एक डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जो है शॉकवेव्स नाम का एक फोल्डर आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसे नाम ही दे देता हूँ शॉकवेव्स। एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ये फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया, उसके अंदर शॉकवेव्स जो हमारे PNG फॉर्मेट्स में जो है हमारी वीडियो की प्री रेंडर जो इमेजेस है वो वहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से मैं ओपन कर दूँगा और सेव ओके। तो ये जो हमारी हो गई सेटिंग्स, अब हम करेंगे उसे सिंपली रेंडर। तो गाइस रेंडरिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। गाइस यहाँ पे एक बात आपको बता दो कि रेंडरिंग जो है वो ज़्यादा रैम रिक्वायरमेंट पे बेस के ऊपर वर्क करती है। आपके पीछे में जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा जो है आपका रेंडरिंग की स्पीड जो है इंक्रीज होगी। मिनिमम 8 से 16 GB जो है परफेक्ट है किसी भी वीडियो एडिटिंग के एक्सपोर्ट के लिए, बेसिक नॉर्मल लेवल के ऊपर, ना कि प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जो है यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि मेरी जो रैम है वो 16 GB की है और फिर भी ये जो है रैम प्रीव्यू में थोड़ा टाइम ले रहा है। इसके ऊपर से आप सोच ही सकते हो कि जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं वो कितनी ज़्यादा रैम पर अपनी रेंडरिंग या वीडियो एक्सपोर्ट करते होंगे या यूज़ में लेते होंगे उसे। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्री रेंडरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वापस से जो है हमारी कॉम फंड में जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो प्री कंपोज लेयर थी शॉकवेव्स की वो जो है रिप्लेस हो चुकी है हमारी जो प्री रेंडर की हुई शॉकवेव्स वाली PNG फॉर्मेट से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब जो इसकी जो हमारी कह सकते हैं हमारी जो रैम प्रीव्यू की स्पीड होगी वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली जो है वर्क करेगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी जो है उसकी रैम प्रीव्यू आपके सामने शो हो रही है व्यू स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो कि हमारी जो ये प्रोजेक्ट विंडो उसके अंदर जो है हमारी प्री कंपोज और जो हमने प्री रेंडर किए वो शॉकवेव्स वाली जो PNG फॉर्मेट्स में हमने इमेज सिक्वेंस के जो है हमने अभी प्री रेंडर किया हुआ है तो वो जो है यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है इस वाली प्री कंपोज लेयर से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो PNG सीक्वेंस है वो सिर्फ ये वाली आप देख सकते हैं बहुत इजीली जो है अब जो इसका रैम प्रीव्यू जो है बहुत ही ज़्यादा फास्टली वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट जो है हमारी उसके अंदर मेरा सिंबल है उसके ऊपर छोटा सा मैंने एनिमेशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो है VFX स्टूडियो का जो है मैंने एक टेक्स्ट का जो है एनिमेशन दिया हुआ है उसके ऑपेसिटी के ऊपर और ये पार्टिकल सिस्टम है पार्टिकल की एक जो है वीडियो है रो फुटेजेस। आप देख सकते हो कि हमारी रेंडरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी है यहाँ पे। सो गाइस ये तो गई हमारी प्री रेंडरिंग, अब हम बात करने वाले हैं रेंडरिंग के बारे में। रेंडरिंग यानी हमारी वीडियो को जो है आफ्टर इफेक्ट जो है एक्सपोर्ट करना। सो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए
हम अब रेंडरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो है हमारी टाइमलाइन, उसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर की जो बॉर्डर लाइन है वो आ चुकी है। गाइज यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है, कुछ चेंज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कंपोजिशन में जाऊँगा और यहाँ से एक ऑप्शन है ऐड टू रेंडर क्यू, तो यहाँ से आप कंट्रोल एम प्रेस करके भी जो है उसे इजीली इनेबल कर सकते हैं। वापस से वही जो है हमारा रेंडर क्यू का जो है पैनल खुलेगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ऐड टू एडोबे मीडिया इनकोडर क्यू, यानी कि अगर आपके पीसी के अंदर एडोबे का जो है मीडिया इनकोडर इंस्टॉल है उसी वर्जन का, तो आप यहाँ से उसे डायरेक्टली जो है अपने मीडिया इनकोडर में ओपन करके वहाँ से उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अदर वे में अगर आपको आफ्टर इफेक्ट में करना हो तो आप यहाँ से सिंपली ऐड टू रेंडर क्यू पर अगर आप क्लिक करोगे या फिर कंट्रोल एम प्रेस करोगे तो जो है आपका रेंडर पैनल जो है ओपन हो चुका होगा। ये जो हमने अभी फर्स्ट जो की है वो रेंडरिंग है, उसे हम डिलीट कर देंगे। अभी हम जो है हमारे वीडियो को एक्सपोर्ट करने वाले हैं हमारे पीसी के अंदर। यहाँ से सिंपली हम जाएंगे लॉसलेस में, तो आप देख सकते हैं वही सेम ऑप्शंस जो है आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट में अगेन जो है अपने, मुझे यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको यहाँ से जो भी फॉर्मेट अपने रिलायबल है उसे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बेसिक जो है फुल एचडी क्वालिटी वो है क्विक टाइम जो है उसके अंदर आपको बेसिक फुल एचडी क्वालिटी मिल जाएगी S264। आप देख सकते हो यहाँ पे आप अगेन जो है मेरी पूरी RGB की जो है मेरी वीडियो है उसमें कोई भी PNG फॉर्मेट अब यहाँ पे नहीं है अलाउड, तो यहाँ से सिंपली RGB। और यहाँ से आप अगर अल्फा फॉर्मेट में अगर आपकी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहें, यानी कोई पर्टिकुलर PNG फॉर्मेट में अगर वीडियो सीक्वेंस है तो आप उसे भी आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन है उसे आप वैसे ही रहने दें। सिमिलर यहाँ पे आप ऑडियो पे आए और उसकी जो सेटिंग्स है उसे आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, एक बार आप इस सेटिंग्स को देख लें। ओके, कलर मैनेजमेंट इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सिंपली हम करेंगे ओके। वापस यहाँ पे आपको रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे, बेस्ट क्वालिटी फुल HD रेजोल्यूशन 1920x1080 ओके, ऑल थिंग्स इज गुड। नाउ हियर आउटपुट मॉड्यूल में जाएंगे, क्विक टाइम हमने अभी जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे एक बात देखने वाली है, हम जब प्री रेंडरिंग कर रहे होते थे तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था इम्पोर्ट एंड रिप्लेस यूज़, सिमिलरली आपको यहाँ पे नन रखना है, बस एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, बाकी सब जो है परफेक्टली वहाँ पे दोनों की सेटिंग जो है सेम है, प्री रेंडरिंग और रेंडरिंग की बाकी सब सेटिंग जो है सेम है। यहाँ से ओके, यहाँ से उसकी लोकेशन जो है हम सॉफ्टवेयर से उसके अंदर ही हम रखते हैं, कॉम फोन करके यहाँ से हम उसका नाम फाइनल कर देंगे ओके। अब सिंपल उसे रेंडर करेंगे, तब ये जो वीडियो है वो आपके PC के अंदर जो है एक्सपोर्ट होगी। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है कि अब जो आपके रेंडरिंग स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली हो रही है, जस्ट बिकॉज अब हमने जो हमारी प्री कंपोज सॉफ्टवेयर वाली लेयर थी उसे पहले से ही हमने प्री रेंडर किया, यानी उसको एक वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और उसकी जो भी की फ्रेम्स है वो सब निकल के एक वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि अब रेंडरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है। सो गाइस यहाँ पे हमारी रेंडरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। ओके, नाउ यहाँ पे हम जाएंगे न्यू फोल्डर में, आप देख सकते हो मैंने जो पहले हमारी जो प्री रेंडर किया था उसकी भी यहाँ पे जो है डेटा फाइल मौजूद है। और अभी जो मैंने जो ये रेंडरिंग का जो मैंने रेंडर किया है वीडियो को वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो हो गई रेंडरिंग और प्री रेंडरिंग, अब हम बात करेंगे टिप्स के बारे में। और टिप बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर यहाँ पे
मैंने यहाँ से इस टाइमलाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से कंपोजिशन जो पैनल है उसके अंडर में गया, और यहाँ से जो है मैंने ऐड टू मीडिया इनकोडर क्यों किया, यानी ये जो है हमारी वीडियो पूरी हमारे मीडिया इनकोडर में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सेटिंग सेम से मिलेगी देखने को, तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं भी किया हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली यहाँ से आफ्टर इफेक्ट में से जो उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन जो दिए जाते हैं जो आफ्टर इफेक्ट में नहीं दिए जाते। तो गाइस अब हम बात करेंगे एक टिप के बारे में, और टिप ये है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर किसी एक फ्रेम को जो है एक्सपोर्ट करना है, यानी कि मुझे ये बस इसी एक फ्रेम को जो है एक्सपोर्ट करना है, बाकी की वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं किया नहीं करना, और एज अ जेपेक या फिर PSD फाइल में, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाली जो फ्रेम है उसकी एक पर्टिकुलर जो है इस चीज़ को मुझे एक स्नैपशॉट लेना है या फिर इसके ऊपर काम करना है किसी अदर सॉफ्टवेयर में, तो सिंपली यहाँ पे अपनी उस की फ्रेम का इस की फ्रेम के ऊपर आपका रोलर होना चाहिए, और यहाँ से सिंपली वापस से कंपोजिशन में जाना है और सेव फ्रेम एज, और यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट में भी है और फोटोशॉप लेयर में भी है। यहाँ से अभी मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारी जो वो फ्रेम है पर्टिकुलर वो रेंडर फॉर्म में रेंडर क्यू पैनल में आ चुकी है। तो यहाँ से अभी ये जो हमने फर्स्टली हमने आगे जो हमारी प्री रेंडर और रेंडर किया है उसकी फाइल से उसको भी हम अभी डिलीट कर रहे हैं। यहाँ से आउटपुट मॉड्यूल में जाके मैं उसको JPEG सीक्वेंस कर दूंगा। ओके सो यहाँ पे मैं उसे ओके कर दूंगा, और यहाँ से उसका एक नाम दे दूंगा इमेज फ्रेम। ओके सेव कर दिया, और सिंपली यहाँ से मैं अब इसको रेंडर करूँगा। हो गया है रेंडर। अब आप देख सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर एक फ्रेम आ चुकी है उस इमेज वाली। आप देख सकते हो कि वो जो है उसका एक स्नैपशॉट ले लिया है उस पर्टिकुलर फ्रेम का। अगर आपको इसको PSD फॉर्मेट में जो है एक्सपोर्ट करना हो तो भी आप यहाँ से सिंपली आफ्टर इफेक्ट में जाके कंपोजिशन में जाके SFMS फोटोशॉप ले आए तो आप फोटोशॉप में जो इसकी PSD फाइल आपको मिल जाएगी। तो गाइस ये तो हो गई हमारी रेंडरिंग प्रिलिमिनरी एक छोटी सी टिप। और एक बार आपको मैं अगर बता दूँ तो यहाँ से आप कंपोजिशन में जो हमारा रेंडर क्यू है मीडिया इनकोडर वो उसी वर्जन का होना चाहिए जिस वर्जन का आपका आफ्टर इफेक्ट है, यानी मेरा यहाँ पे 2017 है तो मुझे 2017 का ही मीडिया इनकोडर यूज़ करना है यहाँ पे। ओके सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।